बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द एम टू टॉपिक नेफ्रोलॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम को अब हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर से पोस्ट ऑप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत ज़्यादा आने वाला यू क्यू है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होती है। इंट्राग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन रेंजिंग फ्रॉम द फोकल प्रोलिफेरेटिव टू द डिफ्यूज। अब इसका निमोनिक आपने याद रखना है होप से, एच से हीमाचूरिया, ओ से ओलिगूरिया, पी से प्रोटीन यूरिया, ई से एडिमा। ठीक है, अगर तो ये चार आपको फीचर मिलेंगे इसका मतलब है कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। ठीक है, अब हम इसकी कॉजेज़ पढ़ते हैं। अब जो आंका ए एन सी ए आंका एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये आपने याद रखना है, डब्ल्यू एम सी वैजिनल भी माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में और श्रग सिंड्रोम्स में होती है। ठीक है, एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये जी से आपने याद रखना है, गुड पास्चर और जी बी एम में। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ये पोस्ट ऑप्टोकोकल आई जी नेफ्रोपैथी मेम्ब्रेन प्रोलिफेरेटिव रैपिडली प्रोग्रेसिव और एस एल ई हो सकती है। ये सारी इसकी कॉजेज हैं। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट ऑप्टोकोकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास कोई भी नेफ्रिटिक सिंड्रोम का पेशेंट आएगा, ऑलमोस्ट उसकी 15 दिन की हिस्ट्री होगी, 2 हफ्ते तक। ठीक है, और उसे सोर थ्रोट है, बाई दी बीटा हेमोलिटिक, दरअसल ये होता है कि पहले बच्चे को या अडल्ट के अंदर के ज़्यादातर ये बच्चों में ही होता है। ठीक है, तो उनको गले का इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद उनको ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, 1 से 4 वीक आफ्टर द सोर थ्रोट आफ्टर इन द चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर्स सडन ऑनसेट ऑफ द फीवर, नोजिया, ओलिगूरिया, हिमाचूरिया। ठीक है, ए एस और टाइटल इसमें एलिवेट होता है और C3 लेवल डिक्रीज होता है। लैब फाइंडिंग में ये भी आएंगे, जो ऊपर पड़िया उनके साथ ये भी लिखेंगे। ठीक है, रीनल बायोप्सी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी में आपने देखा तो इन लार्ज ग्लोमेरुलस के अंदर लंबी बंबी अपीयरेंस थी, इलेक्ट्रॉन के अंदर सब एपिथेलियल हम्स थे, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर ग्रैनुलर अपीयरेंस थी। ठीक है, स्पोर्टी वेस का एंटी, अब देखें आई जी नेफ्रोपैथी क्या होती है। आई जी नेफ्रोपैथी को हम बर्जर डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी एसोसिएशन हेनक्स ऑनलाइन पर्पल के साथ होती है, सीलिक और लिवर डिजीज़ के साथ। ये जब भी पेशेंट आपके पास सोर थ्रोट के साथ आएगा, उनकी 1 से 3 डेज़ की आलमोस्ट हिस्ट्री होती है। ज़्यादा एज ग्रुप ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंगर अडल्ट्स में भी होता है। करंट एपिसोड्स ऑफ द हिमाचूरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, GIT। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा 1 से 2 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन और यहाँ पे 1 से 2 डेज। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेवल लो होता है नेफ्रिटिक में और आई जी नेफ्रोपैथी के अंदर नॉर्मल होता है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसके अंदर तो हमने देखा पोस्ट ऑप्टोकोकल के अंदर हमें लंबी बंपी अपीयरेंस मिली थी, लेकिन आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आपको क्या मिलेगी, ग्रैनुलर अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी मेसेंजियल वाइडनिंग और प्रोलिफरेशन होगी, इसका ज़्यादा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। स्पेयर प्रोटीन यूरिया के लिए आप इसी इनहिबिटर्स से देते हैं। अब गुड पास्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है यू क्यू। इट इज़ अ मेल डोमिनेंट एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज, इसमें एंटी जीबीएम हमने एंटीबॉडीज बनाया। इसके अंदर ना हीमोपटिसिस होगी, डिस्निया होगा और रेस्पिरेटरी फेलियर, मोस्ट कॉमन ना हीमोपटिसिस दिया होता है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटी जीबीएम प्रोटीन ये इनिशियल टेस्ट होता है, किडनी बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है। आपने ये याद रखना कि बायोप्सी जो है ना वो इन सब में एक्यूरेट टेस्ट है। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज करवाएंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे और रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ये हमें सेंटर में यू क्यों आया था, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस। वेजिनल जो है ना बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट को साइनोसाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, नेक्रोटाइजिंग मीडियम साइज एंड स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग और रीनल वेसल्स। अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का लोअर रीनल के अंदर हीमाचूरिया होगा, इसे हमने मैंने आपको बताया था। सी आंका एंटीबॉडीज होगी रीनल बायोप्सी में, आप देखेंगे क्रिसेंटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। एल्पोर्ट का ये एमसीक्यू आता है कि इसके अंदर ना क्या होता है कि नर्व डेफनेस हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर अब ये देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि सीआरएफ की तरफ जा सकता है, एक्सिंग मोस्ट कॉमन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। इसके अलावा फैमिली नर्व डेफनेस आपने अच्छे से याद रखना, आई डिसऑर्डर इसके अंदर लेंस डिसलोकेशन, पोस्टीरियर कैटेरेक्ट कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। रीनल बायोप्सी में बास्केट एंड वेव अपीयरेंस मिलती है। ठीक हो गया, अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद लो सीरम कॉम्प्लीमेंट, लो सीरम मैंने आपको बताया लो किसके अंदर होता है, पोस्ट ऑप्टोकोकल के अंदर, एसएलई के अंदर भी होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव में भी होता है और एंडोकार्डाइटिस में, इन सब में कम होता है। अब हम इसके यू क्यू देखते हैं। हीमोपटिसिस, हीमोपटिसिस मैंने आपको बताया था कि किसके अंदर आता है, गुड पास्चर के अंदर। ठीक है, शी इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन मैनेज विद एटिनोलोल, शी लुक शॉर्ट ऑफ ब्लड हेट दी रेस्ट इंस्पिरेटरी क्रैकल बोथ लंग बेसिस में सीरम। अब मैंने आपको यही पता चल गया ना, एक तो आपको पता चल गया कि वैसे तो ये हीमाचूरिया की वजह से होता है नेफ्रिटिक, पहले हमने पता चलाना होता है कि ये नेफ्रिटिक है या फिर, उन्होंने यहाँ पे खुद बता दिया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसका मतलब वो नेफ्रिटिक है, लेकिन उसको हीमोपटिसिस हुई है तो क्या है, गुड पास्चर। अब उन्होंने क्या कंफर्म, आपको बताया रीनल बायोप्सी, मैंने आपको बताया विद थेरेपी, अब आपने इसके अंदर क्या करना होता है, गुड पास्चर के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी और ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट देखिए, 32-year-old मैन प्रेजेंट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द डिस्निया एंड ड्रिंक हीमोपटिसिस, में भी हीमोपटिसिस था, लो ग्रेड फीवर है, वीकनेस है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, हीमोपटिसिस स्टार्ट एट द 10 डेज लेटर। आगे देखें, आगे आपको खुद पढ़ने भी, आरबीसी स्कार्च मिले ना, इसका मतलब बेनिफिटिक है, उसके अंदर पता चलेगा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, गुड पास। इसके अंदर मैंने आपको बताया एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज होती है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन 2 स्पेसिफिक में, वही आपने प्लाज्मा एक्सचेंज, इम्यूनोसप्रेसिव और रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 38-year-old मैन प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ द एडिमा, फीट पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, सीरम एलबी में देखिए एलडीएल हाई हुआ है। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो वो खुद ही बता रहे हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अपार्ट फ्रॉम द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर डायुरेटिक के अलावा आप कौन सी ड्रग देंगे। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली उसकी क्या प्रॉब्लम है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसके अंदर आप उन्होंने पूछा डायबिटिक के अलावा आप कौन से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि इसका पेशेंट अटल रिस्क ऑफ द एम आई और अनदर सीवियस डिजीज, इफ यस वाई, तो इसमें क्या होगा, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, विच ड्रग रिड्यूस, आपको बताया प्रोटीन यूरिया को इनहिबिट करने के लिए हम एसी इनहिबिटर ARBs देते हैं, और व्हाट इज द बेस्ट रीनल ट्रांसप्लांट, तो आप क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सोर थ्रोट फ्यू द डेज अगो इज रैश इज नोटिफाइड ऑन दी बटक एंड दी लोअर लेग, कहाँ
ये भी ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की एक टाइप है, तो इसके अंदर हिनोक शोलन परपरा होता है इसके अंदर, ठीक है। अब उन्होंने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग पूछा, तो इसके अंदर आपने बताया आई जी डेपोजिशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन वही किडनी इंजरी एंड स्टेज एनालिसिस है। नेक्स्ट देखें कि उन्होंने बताया कि प्रोटीन यूरिया है। नेक्स्ट आपको क्रिसेंटिक ग्लियन मिली है, क्रिसेंटिक ग्लियन आपको ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की दिखनी है। नेक्स्ट इसका यूक्यू देखें, इसमें उन्होंने पूछा कि क्रिसेंटिक ग्लियन मिली है, तो आपने नेफ्रिटिक वाले सारे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रीफ रेडनिंग ऑफ द यूरिन विद रिसेंट रेस्पिरेटरी, जब मैंने आपको बताया था कि 1 से 3 डेज की हिस्ट्री होगी, रिसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डज नॉट स्मोक और इसके नो WBCs और कास्ट मिले, तो आपको 4 डिफरेंशियल उन्होंने हिमाचल किया कि आपने ये सारे लिखते हैं, सेगमेंटल और IgA नेफ्रोपैथी गुड पास्टर ये सब चीज़ें, ठीक है। बट इस मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस रिसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है, IgA नेफ्रोपैथी। 4 इन्वेस्टिगेशन आपने 1 इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, वही रिनल बायोप्सी करवाती है। नेक्स्ट देखिए स्मोकी कलर यूरिन आपको पोस्ट एब्डोमिनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलता है। नेक्स्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है।